क्या आपको डायबिटीज है और आपके पैर सुन्न पड़ जाते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है, आपको पैरों में दर्द होता है? तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको है तो हो सकता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है। देखिए गाइज, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि न्यूरो का मतलब होता है कि नर्व। तो जब भी आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं आपके हाई ब्लड शुगर के कारण, तो उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये इतनी जल्दी नहीं होता है। जब आपको डायबिटीज कई सालों से होता है, मान लीजिए 10 साल 20 साल, तब जाके ये इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि पहले भी हो जाए। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी का बहुत सारे सिम्टम्स हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है बर्निंग सेंसेशन। और ये बर्निंग सेंसेशन अगर आपके पैरों में होता है तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। और ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है ये खास करके रात के टाइम में होता है। तो अगर आपको भी ये सिम्टम है तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह मशवरा करिए और देखिए कि कहीं आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है आपको हो सकता है कि मसल वीकनेस हो या फिर आपका मसल जो है मांसपेशी जो है वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके काफी घट रहा है। तो आपका हाथ पैर जो है वो पतला हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम है, जैसे कि आपको चलने में काफी दिक्कत हो रही हो या आपको कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बिस्तर से उठते हैं या कुर्सी से उठते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप ठीक तरह से अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे और आप गिर जा रहे, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। उसके बाद जो है ये आपको एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टच करने पे, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। इसके अलावा अगर आपके हाथ या पैर जो है वो सुन्न पड़ गए हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। तो ये सारे चीज जो है, जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स जो है वो सब आप में हो। इनमें से कुछ भी एक या दो सिम्टम आपको हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं हो गया है। अब आते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी का कॉजेस क्या है। देखिए गाइज, डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको जब भी होता है इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है और आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो जब भी आपके ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा और बहुत लंबे समय तक रहेगा तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का पूरा पूरा चांस रहता है। इसके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, और ब्लड वेसल्स डैमेज कब होता है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है। तो ये देखा गया कि जिनको भी डायबिटीज होता है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई बार आपके ब्लड वेसल्स भी डैमेज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको डायबिटीज है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। अगला कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अल्कोहल या स्मोकिंग। तो अगर आप लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उसके कारण भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है जिससे कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, अगर आपका विटामिन बी लेवल जो है वो काफी कम हो गया है, तो उसके कारण भी आपको न्यूरोपैथी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, कई साल तक मेटफॉर्मिन लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन के कारण भी आपका विटामिन B12 जो है वो काफी कम हो जाता है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो प्लीज अपना विटामिन B12 जरूर चेक कराइए।
और खास करके अगर आप एक वेगन डाइट फॉलो करते हैं, एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो भी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगा तो फिर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपना B12 लेवल चेक कराइए, और अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में हमने तो जान लिया है, लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी का आखिर इलाज क्या है? तो गाइज, डायबिटिक न्यूरोपैथी का आज तक कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए, और अगर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो अपना ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करेंगे और आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, मैंने आपको पहले ही बताया, एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके वजह से आपको हो सकता है कि आपके पैर जो है बिल्कुल ही सूंन पड़ जाए, बिल्कुल ही नम हो जाए, और कोई काम करना बंद कर दे, इन्फेक्शन भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, और उसके बाद फिर आपको फाइनली एम्पुटेशन भी कराना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, तो गाइज इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए, इसके वजह से आपके पैर भी जा सकते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं है लेकिन इसको प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए आपको अपना ब्लड शुगर जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको रेगुलर अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है वो अपना ब्लड शुगर चेक ही नहीं करते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ आपने अपना ब्लड शुगर कब चेक कराया था, तो वो कहता है कि मैंने तकरीबन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो गाइज अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रेगुलर जो है ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन होती है, और जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल 300 भी है, 350 भी है, कई बार लोगों को सिम्टम नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता है, तो इसलिए रेगुलर टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, जब तक आपको न्यूट्रिशन के बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब अपना ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी को भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं तो आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सारे चीज आप करेंगे तो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन कोचिंग देता हूं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपके परिवार में भी किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है या इस तरह के सिम्टम्स है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।